नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पलाश एक ऐसा पौधा है जिसके मदद से व्यक्ति अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। आपने जरूर देखा होगा, प्राचीन समय के संत महात्मा लोग कुछ जड़ी बूटी को खा करके, वनस्पति औषधि को खा करके अपने उम्र को लंबी कर लिया करते थे। जैसे कि अभी मान के चलिए आप 100 साल जी रहे हैं, तो इसका 100 गुना कर लीजिए तो 1,00,000 वर्ष आप जीने की ताकत आपके शरीर में आ जाएंगे। वैसे मेरे वीडियो के टाइटल और थंबनेल में देख ही चुके हैं कि कौन सा जानकारी बताने वाला हूं। तो तंत्र शास्त्रों में इसके जड़ को काफी महत्व बताए हैं और इस वृक्ष का निर्माण भगवान शंकर जी के वीर से हुआ है, इसलिए इसे काफी पवित्र वृक्ष कहा जाता है। इसे हम खासकर बोलचाल की भाषा में पलाश बोलते हैं और आयुर्वेद की दृष्टि से इसे ब्रह्म वृक्ष कहा जाता है। तो इसी का चमत्कारिक फायदा बताने वाला हूँ, जिससे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, इससे आप बुढ़ापा से बच सकते हैं, आपको अकाल मृत्यु नहीं आएगा, साथ ही साथ आपके शरीर में 9 हाथी का बल आ जाएंगे। किस प्रकार से इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहला फायदा जानते हैं कि सफेद पलाश के जड़ के नीचे अगर आधा गिलास दूध को रखा जाए तो 5 से 10 मिनट के भीतर में वह बढ़ करके 1 गिलास हो जाता है, और ये हमने लाइव देखे हैं, बहुत जगह पे जा करके देखे हैं। दूसरा इसका प्रयोग जानते हैं, पलाश का तेल, इसके बीज का निकाला गया तेल 2 बूंद की मात्रा में सेवन करने से, मदुरस के साथ में यानी कि शहद के साथ में मिला करके सेवन करना होता है तो भूमि में गड़ा धन को देखने में समर्थवान हो जाता है जो भी व्यक्ति सेवन करते हैं। 6 महीने तक सेवन करने से व्यक्ति में यह गुण आ जाता है कि उसके अग्नि और जल से मृत्यु नहीं होती, बुढ़ापा नहीं आता, स्थिर यवन हो जाता है, यानी कि जो यवन होता है, जो उम्र होता है, एक निश्चित हो जाता है, बच्चे जैसा हो जाता है, जो युवा होता है उसके जैसा हो जाता है, बुढ़ापा नहीं आता। इसके बाद इसके एक एक बीज को अगर तिल और शक्कर के साथ 1 मास तक सेवन करें तो व्यक्ति के शरीर में 9 हाथियों का बल आ जाता है और बुढ़ापे से मुक्त हो जाता है, वह अपनी इच्छा से देवी देवताओं को भी देखने में समर्थवान हो जाता है। इसके कोमल पत्ते को एकत्र करके धूप में सुखा करके चूर्ण बना ले, इसके एक मुट्ठी चूर्ण को मट्ठा के साथ 2 महीने तक सेवन करने से व्यक्ति में सहस्त्र वर्ष जीने की ताकत आ जाती है तथा 1,000 स्त्रियों के साथ संबंध बनाने में समर्थवान हो जाता है। इसके छाल को सूक्ष्म चूर्ण करके अपने शक्ति के अनुसार दूध के साथ सेवन करे, भोजन करे, अल्पहारा भोजन करे तो यह 15 दिनों में अपना असर दिखाता है। प्रभाव कुछ इस प्रकार से है, खाने वाले व्यक्ति के सफेद बाल फिर से काले हो जाते हैं, गीरा दांत फिर से उग आते हैं, खाने वाले व्यक्ति ताम्र पत्र पर अगर पेशाब कर दे तो उनके पेशाब के संसर्ग से ताम्र पत्र सोने बन जाते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार इसके जड़ को लाल कपड़े में लपेट करके धन पेटी में रखने से, अन्न भंडार पे रखने से सारा घर अन्न धन से भर जाता है। इसके बीज पत्ते का चूर्ण सेवन करते समय कुछ सावधानी भी रखना चाहिए, व्यक्ति को अत्यधिक नींद आता है, ज्यादा खा लेने पर मूर्छा आती है, मूर्छित हो जाने पर नाक में दूध का फुहारा देने से मूर्छा ठीक हो जाते हैं, बीज अपना असर 14 दिनों में दिखाता है। तो आशा करता हूँ प्राचीन ज्ञान की छोटी सी जानकारी आप सभी दर्शकों को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।